इसके पहले जो है हम लोगों ने एमएस टास्क के स्ट्रक्चर को देखा था और उसके बाद हम लोग यूनिक्स के कर्नल के स्ट्रक्चर को देखे थे, जहां पे ये बात निकल के आई थी कि यूनिक्स का जो कर्नल बेसिकली वो एक मोनोलिथिक कर्नल है जहां पे सारी सर्विसेज एक साथ रखी है। तो जब कभी मोनोलिथिक कर्नल की बात होगी वहां मॉड्यूलरिटी का अभाव होगा और हमें किसी सर्विस को ऐड करने या किसी सर्विस को रिमूव करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट था लेयर्ड अप्रोच का। लेयर्ड अप्रोच में ये हमने डिस्कस किया था कि हर लेयर की जो सर्विसेज हैं, जो रोल्स हैं, वो डिफाइन होते हैं एकदम क्लियरली। हम लोग किसी भी लेयर पे किसी भी सर्विस को ऐड कर सकते हैं, किसी भी लेयर से किसी भी सर्विस को हम लोग हटा सकते हैं। ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। ये भी एक स्टैंडर्ड है और हम लोग इस चीज को पहले ही डिस्कस किए हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए अपने पास गाइडलाइंस है, लेकिन इस चीज की गाइडलाइन नहीं है कि हाउ टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने का क्या तरीका होगा, इसको लेके कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन अपने पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, लोगों ने इस बात को रियलाइज करना शुरू कर दिया कि जो लेयर्ड अप्रोच वो सही है, ज्यादा रियलिस्टिक है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जैसे प्रैक्टिस में आई, वैसे वैसे लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस का इस्तेमाल करना शुरू किया कर्नल को डेवलप करना। ठीक है, तो इस स्लाइड में जब हम लोग मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, यानी हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉड्यूल्स में बांट लिया है। मीन्स वी हैव डिवाइडेड द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मॉड्यूल्स। अब कर्नल के अलग अलग मॉड्यूल्स, वहां हम लोग जब भी मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल में सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, दो टर्म आते हैं, एक को बोलते हैं कपलिंग और एक को बोलते हैं कोहेसन। ठीक है, तो मॉड्यूल की जो डिजाइनिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग है। हर मॉड्यूल एक दूसरे से सेपरेट है, डिपेंडेंसी जितनी कम हो सके उतना अच्छा है, और उनके बीच क्या इंटर ऑपरेबिलिटी जितनी बढ़ सके उतना अच्छा है। तो डिपेंडेंसी का कम होना इट इज कॉल्ड कपलिंग, और इंटर ऑपरेबिलिटी का बढ़ना इट इज कॉल्ड कोहेसन। ठीक है, अब अगर अलग अलग मॉड्यूल्स अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते तो कम्युनिकेशन भी कराना होगा। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें दो मॉड्यूल के बीच में एक इंटरफेस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाली स्लाइड अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे ये सेल है, सेल और कर्नल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है यूजिंग एन इंटरफेस। देखिए ये इंटरफेस है और हमारा कर्नल और हमारा हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है यूजिंग दिस
इंटरफेस। तो अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो हमें कुछ इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम लोगों ने इस बात को भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक को हमने कहा था परमानेंट पार्ट या रेजिडेंट पार्ट, और दूसरे को हम लोगों ने कहा था टेम्पररी पार्ट। टेम्पररी पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसकी जरूरत हो तो मेमोरी में हम उसको लेके आए, और जब जरूरत नहीं होगी तो हम उसको मेमोरी से स्वैप आउट। इसी तरीके से जब हम लोग कर्नल को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट रहे हैं तो अब हम कहेंगे कि नाउ कर्नल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हर समय हमें कर्नल के हर मॉड्यूल की जरूरत है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, नहीं, हमको हर समय जरूरत नहीं है सारे मॉड्यूल्स। तो ठीक है, तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि भाई जिस मॉड्यूल की हमको जरूरत है मेमोरी में वही मॉड्यूल है, बाकी मॉड्यूल को हम लोग हटा दें और जब जरूरत पड़ेगी हम मॉड्यूल को लोड कर लेंगे। यानी जो नॉन रेजिडेंट पार्ट वो हमेशा लोडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है, जब जरूरत होगी हम उसको क्या करें, लोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल की बात उठी है, मॉड्यूलर अप्रोच की बात उठी है, ये मॉड्यूलर अप्रोच काफी हद तक हमारे लेयर्ड अप्रोच से मिलता जुलता है। ठीक है, और आगे आते हैं। देखिए, यहां सन सोलरिस का मॉड्यूलर अप्रोच है, दिस इज द कोर कर्नल, ये कर्नल है, और ये देखिए ये मॉड्यूल्स, दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये मॉड्यूलर अप्रोच है। जैसे हमने कहा कि हर लेयर के कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सा लेयर कौन कौन सी सर्विस को प्रोवाइड करेगा, जिस तरीके से इस बात को हम लोग क्लियरली बता के रखते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी हर मॉड्यूल की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये मॉड्यूलर अप्रोच है। ये जो मॉड्यूलर अप्रोच हम लोगों को दिख रहा है, कई बार इसी को माइक्रो कर्नल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। देखिए, वर्चुअल मशीन जो है वो एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका बिहेवियर हमारे फिजिकल मशीन जैसा हो। ठीक है, जिसका बिहेवियर हमारे फिजिकल मशीन जैसा होता है। हम लोग इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हमें डिफिनीशन में लिखना हो तो हम लोग कहेंगे कि वर्चुअल मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल मशीन। ठीक है, जैसे इस डायग्राम को देखिए, ये पहला जो डायग्राम है यहां पे आपको कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं दिख रही, ये हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर पे हमारे पास एक कर्नल है। ठीक है, और यहां प्रोसेसेस। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे वर्चुअल मशीन इंट्रोड्यूस करें, जैसे बी, फिगर बी में देखिए, तो ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है और हमने वर्चुअल मशीन क्या किया, इंप्लीमेंट किया। वर्चुअल मशीन हमने इंप्लीमेंट किया,
और देखिए तीन वर्चुअल मशीनों को हम लोग इंस्टॉल कर, वर्चुअल मशीन वन, वर्चुअल मशीन टू और वर्चुअल मशीन थ्री। और अब वर्चुअल मशीन वन के पास अपना एक कर्नल है, वर्चुअल मशीन टू के पास अपना एक कर्नल है और वर्चुअल मशीन थ्री के पास अपना एक कर्नल है। और ये तीनों कर्नल तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे, ये तीनों कर्नल तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे। अब फिगर ए और फिगर बी में अगर हम लोगों को अंतर देखना हो तो देखिए, तो फिगर ए में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, जबकि फिगर बी में हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन वर्चुअल मशीन है। अब जरा देखिए, कर्नल डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर, यहाँ पे कर्नल किससे कम्युनिकेट कर रहा है? वर्चुअल मशीन। अब जरा देखिए, यहाँ फिगर ए में इस कर्नल के डिस्पोजल पे पूरा का पूरा हार्डवेयर है, यहाँ इस कर्नल के कंट्रोल में ये पूरा का पूरा हार्डवेयर। अब यहाँ पे तीन कर्नल, ठीक है, इस कर्नल को जो हार्डवेयर है वो क्या है, इसके लिए हार्डवेयर को की तरीके से कौन काम कर रहा है? वर्चुअल मशीन वन, इस कर्नल के लिए वर्चुअल मशीन टू, इस कर्नल के लिए वर्चुअल मशीन थ्री। ठीक है, हर कर्नल अपने अपने वर्चुअल मशीन को अपना एक्चुअल हार्डवेयर मानेगा। और मजे की बात यह है कि ये जो तीन वर्चुअल मशीन है, इन तीनों वर्चुअल मशीन के बीच हमारा जो ओरिजिनल हार्डवेयर है ये बटा हुआ है। मसलन अगर हमारे कंप्यूटर पे 6 GB रैम पड़ी हुई है और हमने ये कहा है कि हम 6 GB रैम को तीनों वर्चुअल मशीन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम वर्चुअल मशीन 1, 2 और 3 को 2-2 GB रैम देंगे। अब इस हर कर्नल को ये लगेगा कि उसके पास अपना प्राइमरी मेमोरी कितना है, तो 2 GB का, जबकि एक्चुअल में हमारे पास टोटल 6 GB रैम पड़ी हुई है। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वर्चुअल मशीन को हमारे फिजिकल हार्डवेयर जो है अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तीसरे इस वाले केस में देखिए, क्योंकि तीन वर्चुअल मशीन है तो तीन वर्चुअल मशीनों के बीच में हमारा जो भी हार्डवेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, हर वर्चुअल मशीन के पास अपना सीपीयू होगा और ये सीपीयू कैसा होगा? लॉजिकल, फिजिकल नहीं होगा, लॉजिकल होगा। तो लॉजिकल बोलने का मतलब, लॉजिकल बोलने का मतलब ये है कि हम तीनों वर्चुअल मशीन, हम लोग तीनों वर्चुअल मशीन में अपने फिजिकल प्रोसेसर साइकिल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, यानी हमारे सीपीयू साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी तीनों वर्चुअल मशीन। ठीक है, हर वर्चुअल मशीन का अपना फाइल सिस्टम होगा। ठीक है, और हर वर्चुअल मशीन अपने अपने प्रोसेसेस को टाइम शेयरिंग बेसिस पे एग्जीक्यूट कराए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा? तो मैं ये कहूंगा कि वर्चुअल मशीन आप तब यूज करिए जब आपके पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छा हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो वर्चुअल मशीन फिजिकल रिसोर्सेस को ही क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। जैसे आज की डेट में आप लोग क्लाउड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लाउड के बारे में बहुत सारे एड आपके सामने है, तो उसमें हो क्या रहा है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है तो हम कुछ टाइम के लिए वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम
वेंडर्स के, क्लाउड वेंडर्स के परचेस, ठीक है, हमको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है सुपर कंप्यूटर पे, तो ठीक है हमको अब सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, हम अपने क्लाउड प्रोवाइडर को कहेंगे कि हमको सुपर कंप्यूटर पे ये कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट चाहिए, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, आप हमको प्रोवाइड कराइए, तो वहां पर ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट आएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि सुपर कंप्यूटर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सुपर कंप्यूटर हो, ठीक है, हम लोग वहां पे करते क्या है कि एक सुपर कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यूजर की जैसी रिक्वेस्ट आती है उस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके वहां पे हम लोग एप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दें, ठीक है। चलिए अब अगर आप लोग जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में भी आप लोगों को वर्चुअल मशीन दिखती है, ठीक है, आगे आइए। तो देखिए एक आर्किटेक्चर ये है, VMware आर्किटेक्चर है, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, लिनक्स, और इस लिनक्स पर हम लोगों ने कुछ वर्चुअल मशीन को क्या किया है, इंस्टॉल किया है, हमने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की। अब हम अलग अलग वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है FreeBSD, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज LT, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज XP, और ध्यान दीजिए हर वर्चुअल, देखिए ये एक वर्चुअल मशीन होगी, एक वर्चुअल मशीन ये है, एक वर्चुअल मशीन ये, तो हर वर्चुअल मशीन के पास अपना वर्चुअल CPU होगा, वर्चुअल मेमोरी होगी और वर्चुअल डिवाइसेस, ठीक है, और ये वर्चुअल CPU मेमोरी और डिवाइसेस कहाँ से आ रहे हैं, तो एक्चुअल हार्डवेयर से ही आ रहे हैं, यानी हमारे एक्चुअल हार्डवेयर की ही शेयरिंग यहाँ पे और यहाँ पे होगी, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि जब तक आपके पास एक अच्छा सा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म न हो तब तक जो है आपको वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन जो है इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो सीधे लिनक्स पर एग्जीक्यूट करना चाहता है, लिनक्स पर एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये एप्लीकेशन जो है वो BSD पर एग्जीक्यूट होना चाहता है, BSD पर हो जाएगा, ये एप्लीकेशन जो है वो विंडोज NT प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होना चाहता है, हो जाएगा, ये XP पर एग्जीक्यूट होना चाहता है, हो जाएगा। मजे की बात क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स वो इस वर्चुअलाइजेशन लेयर को एग्जीक्यूट करा रहा है, ये वर्चुअल, ये जो लिनक्स है वो हमारे इस वर्चुअल मशीन को एग्जीक्यूट करा रहा है, और हमने 3 वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है और हर वर्चुअल मशीन पे हमने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। इस पूरे डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक सिंगल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, लिनक्स। अब जरा देखिए लिनक्स एग्जीक्यूट हो रहा है, लिनक्स वर्चुअलाइजेशन लेयर को एक प्रोसेस के तरीके से एग्जीक्यूट करा रहा है, और ये वर्चुअलाइजेशन लेयर जो है 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जब हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोगों को वहां पे JVM दिखता है, JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। देखिए हम लोग जावा में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको जब हम लोग कंपाइल कराते हैं तो हम लोगों को क्लास फाइल मिलती है, ये जो क्लास फाइल होती है ना ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, हम इस फाइल को एक मशीन से दूसरे मशीन पे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और ये जो हमको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिल रही है ना जावा में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस जावा वर्चुअल मशीन। अच्छा अब एक मजेदार बात जान लीजिए, जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन जावा वर्चुअल मशीन जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको दूसरा JVM चाहिए, विंडोज के लिए आपको दूसरा चाहिए, मैकिंटोस के लिए दूसरा चाहिए,
सेल्फ सोलनेस के लिए दूसरा चीज। और प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब ये जावा वर्चुअल मशीन है क्या, तो जो जावा का इंटरप्रेटर है ना, जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में अक्सर यूज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन की बात हो रही है, इस स्लाइड को जरा आप लोग एक बार देखिए। देखिए हम लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बना रहे हैं, नहीं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन करेंगे ना, तो हम इस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मॉड्यूल होता है जिसको बोलते हैं सिसजेन, ठीक है। सिसजेन जो है एक प्रोग्राम है जो हमारे अंडरलाइंग हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और हमारा जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड कराता है, ठीक है। तो देखिए हमने इस मशीन पे जो है विंडोज 10 पड़ा हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है कि विंडोज 10 केवल स्पेसिफिक इसी टाइप के हार्डवेयर के लिए बना हुआ है, नहीं। हम विंडोज 10 जो है किसी दूसरे मशीन पे भी लेके जाएंगे जहां पर रैम थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, प्रोसेसर किसी और जनरेशन का हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर भी हमारा विंडोज 10 जो है वो सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीजों को कैसे पता कर रहा, तो एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सिसजेन। सिसजेन एक प्रोग्राम होता है जो हमारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को समझता है, जानता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सिस्टम बूट की बात हो रही है, जरा देखिए। बूटस्ट्रैप लोडर की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये रोम में होता है, ये फर्मवेयर है, ठीक है। इसी के पास इनिशियल बूट कोड होते हैं। जब मशीन शुरुआत में जब बूट करती है तो मशीन का कंट्रोल किसके पास होता है, तो इसी बूट स्ट्रैप लोडर के पास होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है।